स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारी जो एपी सीरीज थी उसमें एएन के फॉर्मूलों को डिस्कशन कर लिया था कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और उसमें कैसे ट्रिक्स को अप्लाई किया जाता है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी सम ऑफ की, यानी कि एसएन के फॉर्मूलों की, कि उनको जोड़ना कैसे है एपी को। ठीक है, एपी सीरीज की वो तो एनएथ टर्म हमने सीखी थी पिछली जो लेक्चर से। अब हम एनएथ टर्म नहीं सीखेंगे, अब हम सीखेंगे उनका एडिंग करना, यानी कि उन सबका सम ऑफ कैसे किया जाता है। इसके लिए एसएन के फॉर्मूले यूज होते हैं। तो एसएन के लिए 10th क्लास में जो अपने फॉर्मूले याद रखने हैं वो दो फॉर्मूले आपके मेन हैं। तो एसएन का आपका फॉर्मूला है, इसको एसएन से डिनोट किया जाएगा, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एंड डी आपको पता ही है कि कैसे निकाला जाता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो कि एसएन का फॉर्मूला है। एसएन का ही एक अनदर फॉर्मूला भी है। ठीक है, एसएन का ही एक अनदर फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं। एसएन का अनदर फॉर्मूला एक है बेटा, एन बाय टू ए प्लस एल। अब आप कहोगे कि सर एल क्या चीज आ गई इसमें, तो बेटा एल जो चीज है वो मैं लिख देता हूं, एल जो है वो लास्ट टर्म है। ठीक है, तो लास्ट टर्म अगर गिवन होगी, एल गिवन होगा, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो ऊपर वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। डिपेंड ऑन कि आपके पास क्वेश्चन कौन सा है और कौन से मटेरियल के अकॉर्डिंग वो पूछा गया है। ठीक है, तो एसएन के दो फॉर्मूले ही हमने मेन याद रखने हैं 10th क्लास के लिए, वहां पर हमारे सारे सम इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी 2712 टू द 10th टर्म। एक बात आप याद रख लीजिएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि एसएन का फॉर्मूला आया क्या है। देखिए वहां पर क्वेश्चन सिंपली आना है, एएन एसएन लिख के नहीं आना कि इस पे एएन लगाइए उस पे एसएन लगाइए। देखिए एसएन के फॉर्मूलों की पहचान ये है कि उसमें सम ऑफ वर्ड दिया होता है। ठीक है, या सम ऑफ वर्ड दिया होगा या जो टर्म होगी ना वो कुछ ऐसे दी होगी प्लस प्लस डाल के, 1 + 3 + 5 + 7 सो ऑन, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, प्लस प्लस डाल के टर्म लिखी होगी। ठीक है, जो पीछे आपने टर्म पढ़ी थी वो आपने पढ़ी थी कॉमर्स डाल के सिंपली लिखी हुई थी, तो सम ऑफ में प्लस के साइन आ जाएंगे। ठीक है, अगर प्लस के साइन आ गए या नेगेटिव के साइन भी आ गए तब भी चलेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव के साइन भी आ जाएंगे तो आप उसको प्लस माइनस ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई भी टर्म होगी मुझे उससे मतलब नहीं है। तो सम ऑफ के वर्ड में प्लस के साइन आपके आ जाते हैं और जो वर्ड है वो सम ऑफ यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि आपका सम ऑफ का एसएन के फॉर्मूलों का सम आ गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है अप टू द एन टर्म्स हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है जिसको हम ए लिखेंगे वो है हमारे पास 2, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, कॉमन डिफरेंस है इसमें 10 है इसमें कॉमन डिफरेंस इसमें डी से लिखा जाएगा कॉमन डिफरेंस है इसमें बेटा सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके देख लो तो वो हो गया आपका 5। ठीक है, और अप टू द कितनी टर्म्स तक है 10 है तो n इज इक्वल टू कितना क्वेश्चन में है 10 है तो लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है तो sn का फॉर्मूला क्या है हमारा यूजिंग sn का फॉर्मूला है बेटा हमारा sn इज इक्वल टू n बाय टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो sn n की जगह पे कितना आ जाएगा 10, s 10 बन जाएगा ये 10 बाय 2 बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 2, a कितना है हमारे पास 2 प्लस 10 माइनस 1, d कितना है हमारे पास 5, ब्रैकेट ओपन करते हैं 10 बाय 2 5 आ गया, 2 टू द 4 10 में से 1 के 9, उसको 5 के साथ इंटू करना है अगले स्टेप में, तो 5 4 45 45 को
4 के साथ 49 और इसको इनटू कर लीजिए, टू फोर्टी फाइव। तो ये आपका S10 है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ए एंड डी आपको पता ही है कैसे निकालते थे, जस्ट फॉर्मूला सम ऑफ का यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं इनके। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आ गया। यस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर जरा ध्यान से देखना कि कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द 34 प्लस 32 प्लस 30 सो ऑन प्लस डाल के 10 लिखा हुआ है। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क समझ लीजिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने अप टू 10 टर्म्स लिखा था, टू 10 टर्म्स लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन है और एंड में प्लस डाल के 10 लिखा हुआ है। अगर कभी भी प्लस डाल के 10 लिखा हो या प्लस डाल के कोई भी रकम लिखी हो तो बेटा याद रखना वो लास्ट टर्म होती है। ओके, पिछले क्वेश्चन में वो एन था, टू द टर्म कर के लिखा था उसको, दैट इज वाई वो एन कहलाया गया। तो यहाँ पर एन नहीं है, यहाँ पर लास्ट टर्म कहलाएगी। अगर प्लस डाल के लिखा होगा तो वो क्या होगी आपकी, लास्ट टर्म कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें भी पहले एक इतना आ गया आपका, अब मैं डायरेक्टली करूंगा, एक इतना आ गया इस क्वेश्चन में 34, और कॉमन डिफरेंस यानी डी कैसे निकालेंगे हम, 32 माइनस 34 माइनस का 2 आ गया आपके पास। ठीक है, बड़ी रकम माइनस की है, तो ये जो 10 है ये क्या है आपकी, ये आपकी लास्ट टर्म है। ठीक है, इसको लास्ट टर्म के साथ डिनोट करना है। तो लास्ट टर्म कितनी है आपके पास, L, ये क्या है आपका 10। अब एक बात याद रख लीजिए, वी नो दैट, ये आपको अपने दिमाग में बात बिठानी होगी बेटा कि लास्ट टर्म की ए एन होती है। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या होती है, L। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एन के। दैट इज वाई ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू D, ये किसके बराबर माना जाएगा, L के बराबर माना जाएगा। ये बात आपने याद रख लेनी है, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि AN ही क्या होता है आपका, L के बराबर होता है। ठीक है, ये बात माइंड में रखनी है। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो यही वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी, AN हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो AN का फॉर्मूला लगाइए, A A कितना है हमारे पास 34 प्लस एन, आपको पता नहीं है एन माइनस वन, डी कितना है आपके पास माइनस का टू, एल इज इक्वल टू में कितना है 10। ठीक है, 34 वैसे ही रहा, माइनस का टू एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का टू एन बनेगा, माइनस का टू माइनस के वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का टू बन जाएगा। ठीक है, साइन चेंज होने हैं, माइनस का डी है दैट इज वाई। ओके, 34 और 2 प्लस का दोनों एड होके कितना बन गया, 36 माइनस 2n is equal to 10, minus का 2n is equal to 10, plus का 36 उधर जाके minus का 36 हो गया, minus का 2n is equal to minus का 26, तो cutting होके आपके पास कितना बचा बेटा, 2n is equal to 26 और n की value कितनी आ गई आपके पास 30। जब आपके पास n आ जाए, ठीक है, जब आपके पास n आ जाए तब आप Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। Sn का फॉर्मूला क्या है आपका, Sn का फॉर्मूला है यूजिंग Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। लास्ट टर्म गिवन थी, दैट्स व्हाई ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो n की जगह पे कितना आ जाएगा 13, एस 13 13 अपॉन 2, ए कितना है क्वेश्चन में हमारे पास 34, लास्ट टर्म कितनी है 10, तो 13 बाय 2, 34 और 10 कितना बन गया आपके पास, ये 44, ये कटिंग हो गई आपकी 22, तो 22 को आप 13 के साथ इनटू कर लेना, जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, 286 ये आपका क्या है, एस 13। ठीक है, कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, मैंने मेथड आपको करवा दिया, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई तो वो आप खुद जज कर सकते हो। ठीक है,
तो मेन इस क्वेश्चन का मतलब क्या था कि अगर आपको लास्ट में प्लस डाल के लिखा हो तो वो लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म को ही आप ए एन के साथ डिनोट करते हो, और जो ए एन आपका होता है वही एस एन में ए एन का फॉर्मूला होता है, और उसी से आपने आगे उसको सॉल्व करना होता है। नोट कर लीजिए इसको सबको। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका आ गया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 917-25 मस्ट बी टेकन टू द गिव सम ऑफ 636। तो क्वेश्चन के ऊपर ही डिमांड है, मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन को ध्यान से आपने रीड करना है कि क्या उसमें पूछा गया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9725 मस्ट बी टेकन टू द गिव द सम ऑफ कितना आ रहा है उसका 636। तो यहां पर आपने क्या करना है बेटा कि फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है ए, ए इज इक्वल टू कितना है 9, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है डी इज इक्वल टू है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके देख लीजिए तो ये आ गई आपके पास 8, ठीक है। और अब आपके पास एस एन गिवन है ना, एस एन इज इक्वल टू कितना गिवन है 636, तो ए एन तो गिवन नहीं है, ना ही आपके पास कोई लास्ट टर्म गिवन है, तो आप उसी फॉर्मूले से अब आपने हाउ मेनी टर्म यानी आपने एन निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स आपने क्या निकालना है, आपने एन फाइंड आउट करना है, फाइंड एन फाइंड आउट आपने करके इस सब में दिखाना है। तो ठीक है, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो एस एन कितना है हमारे पास 636 एन बाई टू, एन हमने पता करना है, टू ए कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 9, एन माइनस वन एज इट इज, टी कितना है क्वेश्चन में 8, ठीक है। टू उधर जाके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 636 इंटू टू कर दीजिए, एन 18 प्लस 8 को एन के साथ किया 8n माइनस 8 मल्टीप्लाई कर लिया इसको, एन 18 में से गए 10 प्लस 8n, ठीक है 1272, 10n प्लस 8n स्क्वायर, तो इसको सही करके लिख लेंगे हम 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस का 127 उधर जाके माइनस का हो गया, तो बेटा ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है ना, स्क्वायर में बनी ना, ये आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक टर्म बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक टर्म जब आपकी बन चुकी है तो अब आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है अपना मिडल टर्म लगा दीजिए, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला जो आपका फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर लीजिए, कोई भी इनमें से अप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर उससे करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू आप इसको करेक्ट फॉर्मूले से लगा लेना, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, मैं यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, एन की वैल्यू सॉल्व होने के बाद आपके पास जो आ रही है आपने पॉजिटिव वाली लेनी है, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इन सब को चीजों को, ठीक है, क्योंकि हमें आगे भी इनको क्वेश्चन अभी डिस्कशन करने हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो इसको देख लेना आप इजीली, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई तो वो आपको चेक कर सकते हो उसमें, ठीक है, तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला आपका सॉल्व, ठीक है, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ओके, अनदर क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, पहले चीजों को लिख लीजिए, द फर्स्ट टर्म इज ऑफ एपी इज 5, ए इज इक्वल टू कितना है 5 है, द लास्ट टर्म इज 45, एल इज इक्वल टू कितना है आपके पास 45,
द सम इज 400, तो एस एन कितने हैं आपका 400 है। तो आपने पता करना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एक तो एन पता करके दिखाना है उसको एंड द कॉमन डिफरेंस, और एक आपने डी पता करके दिखाना है, ठीक है। तो ये आपके पास चीजें हैं जिनको आपने यूज करना है। तो ठीक है, पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लिखिए कि वी नो दैट आपके पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ही ए एन होती है, ये हमें नॉलेज है, ठीक है। अब ए एन इज इक्वल टू यानी 45 गिवन है, तो ए एन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45। ए कितना है क्वेश्चन में हमारे पास 5 प्लस एन हमने पता करना है और डी भी हमने पता करना है इज इक्वल टू 45। एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का हो गया, एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40। इसको संभाल के रख लीजिए बेटा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर वन, तो आगे करते हैं, ठीक है। अब बारी आ गई हमारे सेकंड पार्ट में देखने के लिए हमें क्या कुछ गिवन है। हमें गिवन है बेटा एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑल्सो नो दैट कि एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू, अच्छा एन बाय टू ए प्लस एल है ना, एन बाय टू ए प्लस एल। तो एस एन के फॉर्मूले में हमने एस एन कितना है 400, एन बाय टू ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 5, लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 45। तो 400 को 2 के साथ किया 800 इज इक्वल टू एन, 45 और 5 कितने बन गए 50, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया 800 अपॉन 50, कटिंग हो गई 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16 आ गई, 16 आ गया, ठीक है जी। तो ये जो एन इज इक्वल टू 16 आपके पास आया है, पुट n is equal to 16 in first equation. First equation क्या है? n minus 1 into d is equal to 40. n की वैल्यू कितनी है? 16 minus 1 into d is equal to 40. तो 15 into d is equal to 40. d is equal to 40 by 15. ठीक है? कटिंग करवा दी आपने? तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8/3। तो ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और n इज इक्वल टू 16। तो दीज आर योर आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन आराम से स्टार्ट कर दीजिए, कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना बेटा आराम से उसको पढ़िए, बेसिक फॉर्मूलों की आपकी पूरी नॉलेज है आपको, उनको अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसमें आप सोचने मत लग जाइए, हेक्टिक मत हो जाइए कि अब क्या करें ये स्टेटमेंट रखें, कोई बात नहीं, फॉर्मूलों की बेसिक नॉलेज है, अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। एक से ज्यादा तरीके भी होते हैं सबको करने के, माइंड में अपने आप आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, अगले सम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया बेटा आपका एक और, If the sum of first 7 term of AP is 49 and that of 17 is 289, find the sum of first n terms. Okay, तो यहाँ पर sum of word use हुआ है ना? हुआ है क्या नहीं? तो ये तो guarantee हो गई, ये SN के formula के according SN है। तो according to the question, कुछ चीजें given हैं, उनके बारे में बात कर लें। According to the क्वेश्चन, अब यहां पर हमें फर्स्ट 7 टर्म्स एस 7 कितना दिया हुआ है 49, एंड दैट ऑफ मतलब
अगले जो नेक्स्ट है दैट ऑफ 17, उससे जो नेक्स्ट वाली टर्म्स का टोटल है एस 17 वो कितना है 289। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी हमने पूरा एस एन ढूंढ के उसको दिखाना है और एन की जगह पर एन ही रहेगा, ठीक है। उसने एन की टर्म में ही सम पूछा है तो हम एन की फॉर्म में ही उसको निकाल कर देंगे, ठीक है, नो इश्यू। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं S7। अच्छा S7 का फॉर्मूला होगा बेटा, S7 का फॉर्मूला क्या होगा, 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी, यही होगा ना, S7 का फॉर्मूला तो यही होगा। तो 7/2 2a भी नहीं है, 7-1 6d हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में S7 की वैल्यू कितनी है 49। तो 7/2 जो है ये उधर जाके 2/7 हो जाएगा, है ना, इनटू में पड़ा हुआ है ना उधर जाके, तो ये 2a + 6d वैसे ही रहेगा। तो इसकी तो कटिंग हो गई है ना, 2a ये 749 ये आपकी कटिंग हो गई है, ठीक है, 7/7 49 होता है। तो यहां पर हम आगे चलते हैं, 7 × 2 14 आ गया बेटा, 2a + 6d 14 वैसे ही रहा बेटा, 2 इधर से कॉमन दिखाई दे रहा है, a + 3d आ गया ब्रैकेट के अंदर, कॉमन दिखाई दे रहा है ना, दो कॉमन निकल रहा है, दो जो कॉमन है वो उसके नीचे चला गया, 14/2 a + 3d। तो 7 के साथ वो कटिंग हो गया, 2/7 14 होता है, तो a + 3d इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। ये इक्वेशन ड्रॉ कर ली हमने, एक टू वेरिएबल की इक्वेशन ड्रॉ कर ली है, इसको संभाल के रख लीजिए, ठीक है जी। ये हमने क्या किया अभी, अभी हमने फर्स्ट फॉर्मूले से ही आंसर निकाल के उसको दिखाया है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उसको भी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में उसका क्या पार्ट है हमारा, कि हमने S17 को भी फाइंड आउट करके देना है। अच्छा आप पेपर में लाइन मार के मत करना बेटा, मैंने तो आपको वीडियो समझाने के लिए किया है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन आप साथ साथ में मैच कर पाओ, ठीक है। आप पेपर में आपने अलग अलग करने के नीचे, कोई बात नहीं है, शीट की वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या है हमारे पास, S17 है हमारा, S17 कितना है हमारे पास, 17/2 2a + 17-1 d, यही है ना फॉर्मूला, तो यही हुआ ना हमारे पास। तो S17 का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, S17 कितना गिवन है हमारे पास 289, और 17/2 वैसी रहा, प्लस 2a 17-1 कितना बना आपके पास 16d, ठीक है, 289 वैसी रहा। तो हमने 17/2 है वो उधर जाके 2/17 बन गया, इज इक्वल टू वहां पर 2a + 16d रहा हमारे पास। तो हमने क्या किया वहां पर, उसको कटिंग करवानी स्टार्ट कर दी, 17 और 289 की कटिंग होगी तो कितना आया 17 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 2 कितना बन गया 34, 2 वहां से कॉमन आ गया, a + 8d आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो 2 है उसके नीचे ले जाना है, 34 के नीचे 2 ले जाना है, ठीक है, a + 8d। तो हमारा a + 8d इज इक्वल टू 34 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे बेटा कितना आता है 17 आता है। तो लीजिए बेटा ये हमारी होगी इक्वेशन, दूसरी ड्रॉ हो गई है। अब टू वेरिएबल इक्वेशन में अगर दो इक्वेशन बन जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, 10th के हमने एलिमिनेशन मेथड को स्टडी किया था, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, a + 3d इज इक्वल टू 7 है, a + 8d इज इक्वल टू 17 है, नीचे साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ठीक है, सेकंड टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं ना जब माइनस करते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने लगते हैं। तो प्लस के में से माइनस है क्या, ये खत्म हो गया, 3d 5d, 3d प्लस का 8d माइनस का माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5d बचा, 7 प्लस का 17 माइनस का, प्लस माइनस माइनस कितना बचा, माइनस का 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा सॉल्व करके, 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब d की जो वैल्यू आई है किस में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पुट d इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे पुट कर लीजिए a + 3d
इज इक्वल टू 7, a प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है 2, तो 7, a इज प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 माइनस 6, तो a हमारा कितना आ गया बेटा 1 आ गया, a एंड d आ गया। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, वापस आइए क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी हमें s n ढूंढना है, a एंड d आ चुके हैं हमारे पास, a एंड d आ चुके हैं, नाउ a एंड d आ चुके हैं तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो एन बाई टू एन इन फॉर्म ऑफ एन रहेगा, मैंने आपको पहले बताया क्योंकि उसने एन ही पूछा है, टू ए की वैल्यू कितनी है 1, एन माइनस वन वैसी रहा, डी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एन बाई टू दो को एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो ही आएगा, अब ये ब्रैकेट खोलते हैं 2n, दो को एक के साथ किया 2, ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो n by 2 2n, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा n by 2 इनटू 2n, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट, n और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा n स्क्वायर, यानी s n जो उसने मुझसे पूछा था वो आंसर क्या आया है n स्क्वायर है, इन फॉर्म ऑफ एन ही रहेगा, मैंने आपको पहले बताया था एन की टर्म्स नहीं है उसमें, तो इजी क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको, आराम से नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, अगर माइंड में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं अलग से उसके सॉल्यूशंस बना दूंगा आपको, ठीक है, तो ये वाला सम भी आपका हो गया है, ओके ये भी आसानी क्वेश्चन है, ये जैसे हमने ए एन में किया था वैसे एन के फॉर्मूले में आ जाएगा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, फर्स्ट 40 नंबर का पॉजिटिव इंटीजर पता करने हैं जो कि 6 के साथ क्या हो जाते हैं बेटा डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है ये बेटा, पहले तो आपने सीक्वेंस बना लेनी है, फर्स्ट 40 नंबर जो 6 के साथ डिवाइड होते हैं, तो पहला नंबर क्या होगा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, अब डिविजिबल बाय 6 नंबर कौन से होंगे, 6 होगा, उससे अगला कौन सा होगा 12, फिर नेक्स्ट 18, सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर कि फर्स्ट 40 टर्म के अकॉर्डिंग नंबर पता करने, तो यस ये भी बिल्कुल स्टूडेंट की बात सही है कि लास्ट टर्म जो होगी हमारी वो 240 होने वाली है, ठीक है जी, तो आपका मर्जी है, लिखिए, मैं इसके विदाउट भी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है, क्या आंसर आने वाला है, रीजन ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में ए कितना है 6 है, डी कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया 12 माइनस 6 कितना आ गया बेटा 6, आप एन 40 ही ले लीजिए, ठीक है, आपके पास फर्स्ट 40 टर्म के अकॉर्डिंग पूछा तो एन कितना है आपके पास 40 है, अगर आप ए एन के लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग करना चाहते तो पहले आप ए एन ढूंढोगे, ए एन लगाने के बाद आपका एन आएगा, तो एन तो पता ही आपको कितना है 40 है आपके पास, तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर देंगे तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होने वाला है एन बाय टू, तो ए प्लस एल लगा दीजिए आप, तो कुछ खास ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है इसमें आपको, 40 अपॉन 2 और ए कितना है आपके पास 6, एल कितना है आपके पास 240, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 40 बाय 2, तो 246, तो 246 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 123, तो 40 को 123 से इनटू भी कर लेते हैं तो कितना आएगा 4920, तो इसका जो आंसर है एस 40 का वो 4920 है, ठीक है, तो होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा इजीली कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कुछ एक ट्रिक्स ही है और कुछ नहीं है, एसएन के फॉर्मूले में स्टूडेंट से जो ज्यादातर मिस्टेक्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ वो इसकी कैलकुलेशन ही है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा इसकी कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाता है,
कि कैलकुलेशन कैसे आपने करनी है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ध्यान देना कि आपने कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? कि छोटी छोटी मिस्टेक्स उसमें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो फिर वहां पर मार्क्स आपके आते नहीं है, ठीक है? हाँ, छोटी चीजों की तरफ तो ध्यान देना ही पड़ेगा बेटा आपको, नो डाउट ही आपको छोटी चीजों की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। जब आप स्मॉल स्मॉल जो थिंग्स हैं उनको देखते हो तो कैलकुलेशन कैसे है, फ्रैक्शन कैसे है आपकी, अपॉन में आपने कैसे लिया था, उधर जाके मल्टीप्लाई का साइन हो गया, माइनस के साइन को डील किया या नहीं, ब्रैकेट खोलनी आती है नहीं, छोटी छोटी चीजों को आपको गौर करना पड़ेगा, ठीक है? एपी विद प्रैक्टिस ही आपके साथ रहेगी। अगर आपने इसको रट्टा एप्लीकेशन मारा कि मुझे एस एन का फॉर्मूला आता है, मुझे ए एन का, मैं पेपर में जाके कर लूंगा या कर लूंगी, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो बेटा, ठीक है ना? आपको करना ही पड़ेगा। पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो अगली वीडियोस में हम इनके कुछ ज्यादा फर्दर हाई लेवल के सम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।